हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से एक्सरसाइज 1.1 का जो एक लास्ट एग्जांपल बचा था, एग्जांपल नंबर 8, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे हमें फिलअप करना है। तो सिंपली डेरिवेटिव का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 3, ये दोनों गिवन है। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे एक कंपोजिशन फंक्शन यहाँ पे निकालना है, उसके बाद एक दूसरा कंपोजिशन फंक्शन निकालना है, उसके बाद डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले के लिए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक हिंट बास्केट देखे है तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अभी अगर हमें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर निकालना है तो यहाँ पे पहले तो हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लिख देंगे। जी एक्स की वैल्यू क्या थी, ई टू द पावर एक्स प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए एफ एक्स कैसे ट्रीट कर रहा है, एक्स के साथ फंक्शन कैसे ट्रीट कर रहा है, तो इसका स्क्वायर हो रहा है वो, और उसके बाद प्लस 5 हो रहा है। मतलब जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में, उस फंक्शन का पहले तो स्क्वायर होगा और उसमें प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला एक फंक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका तो पहले स्क्वायर होगा और उसमें प्लस 5 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला फंक्शन है, तो e टू द पावर x प्लस 3 इसका स्क्वायर होगा और उसके बाद प्लस 5 होगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। तो फंक्शन जो है f वो किसी फंक्शन के ऊपर कैसे ट्रीट करेगा, किसी x के ऊपर कैसे ट्रीट कर रहा है, पहले तो उसको वो स्क्वायर बना रहा है और उसके बाद प्लस 5 हो रहा है। अगर मैंने इस x के जगह ये वाला टर्म लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ जी एक्स फाइंड आउट करना था, तो जी एक्स की वैल्यू अगर हमने ये लिख ली तो फंक्शन f जो है ये इसका ट्रीट, ये इस फंक्शन के साथ ऐसे ट्रीट करेगा कि इसका स्क्वायर कर देगा वो और उसके बाद प्लस 5 कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। उसके बाद देखते हैं हम जी ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें, जी ऑफ एफ एक्स। तो हम जी ऑफ, पहले तो एफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या देखे हमें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमें देखना है कि जी किस तरह से एक्स के ऊपर ट्रीट कर रहा है। तो जी एक्स के ऊपर ऐसे ट्रीट कर रहा है कि वो पहले तो इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगा वो ई के पावर में आ जाएगा। ये वाला जो टर्म है वो ई के पावर में आ जाएगा और उसके बाद उसके साथ प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू ये वाला जो टर्म है वो कहाँ पे चला जाएगा, ई के पावर में चला जाएगा और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जी ऑफ एफ एक्स भी मिल गया। ओके, उसके बाद देखते हैं हमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालना है। मतलब एफ एक्स तो देखे था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमें उसका डैश निकालना है। तो हम एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स निकालना है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से एफ डैश एक्स मिल गया। उसके बाद सेकेंड देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या गिवन है, जी डैश एक्स है। सो जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है ई टू द पावर एक्स प्लस 3, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 3, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें ये ई टू द पावर एक्स मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये चारों टर्म निकाल लिए। अभी देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी इज, तो हमें इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर भी देखिए क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमें। देखिए स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ, इसके पहले मैंने इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल दिया था आपको कि कॉस ऑफ साइन एक्स अगर इस तरह से कोई एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं, वो होता है माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में लिखते हैं। ठीक है,
तो हमें जब भी इस टाइप के कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है तो पहले हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेटिव बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ जी एक्स, जी एक्स को एज इट इज़ लिखना है जैसे साइन एक्स को लिखा था हमने यहाँ पे, और उसके बाद एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन था तो फिर से हमें जी डैश का सॉरी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे वही है एफ, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यही जो हमने यहाँ पे निकाला है एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा जी डैश एक्स। उसी तरह से यही फंक्शन हमें निकालना है बट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखना है, तो जो भी हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला था वहाँ पे एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें यहाँ पे ये फंक्शन जो बोला गया है, कौन सा फंक्शन यहाँ पे बोला गया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका हमने एफ डैश जी ऑफ एक्स निकाला था, तो इसके पहले जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स निकाला था उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हम डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ओके ओके सर, उसके बाद देखते हैं द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी इज, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम पहले क्या कर देंगे, जी का डेरिवेटिव देखिए जी ऑफ एफ एक्स ये फंक्शन आ गया, अभी इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो हम क्या कर देंगे जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यही लिख देंगे हम जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बोला है, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ माइनस वन और एफ डैश ऑफ माइनस वन, ये तो मैंने जनरल टर्म लिख दिए। इसके बाद तो हम इस यहाँ पे ये वाले जो फंक्शन यहाँ पे निकाल के रखे हैं हुए हैं ये वाले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसका डेरिवेटिव फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये वाला क्या निकाला था हमने फंक्शन, ये यहाँ पे निकाल के रखा था हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था ये वाला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये था ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस फाइव, जी ऑफ एफ एक्स निकाला था हमने ये वाला ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री, उसके बाद हमने निकाला था एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स और ये वाला निकाला था ई टू द पावर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो मैंने बताया ना आप लोगों को, यहाँ पे एक्चुअली हमें ये वाले जो फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पे लिए थे इसके डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ जी एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है पहले, ठीक है। तो इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या होता है देखिए, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स तो यहाँ पे हम लिखते हैं एफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव था, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये टू आगे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री पावर में से वन माइनस और फिर से इस फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, फाइव का तो जीरो हो गया था, ठीक है। ये तो एफ डैश का डेरिवेटिव हो गया, फिर से यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये तो हमने ये वाला फंक्शन निकाला, तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई टू द पावर मतलब इन्होंने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा या तो सॉरी एक्स स्क्वायर नॉट ये ऐसे हो जाएगा इंटू टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स ई टू द पावर एक्स, तो टू इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एक्स, सो दिस इज टू ई टू द पावर ट्वाइस एक्स प्लस दिस इज
सिक्स ई टू द पावर एक्स, पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, पावर का पावर के साथ, तो टू इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, तो ये वाला टर्म मिल गया, देखिए जो हिंट बॉक्स में हमें देखे था। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिलेगी ना हमें, ये वाली जो वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पूछा था, तो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करनी है, यहाँ पे जीरो पुट करनी है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर जीरो रख देते तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर हम जीरो रख देते यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू ई टू द पावर टू इंटू जीरो प्लस सिक्स ई टू द पावर जीरो। सो टू ई टू द पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, पता है आपको। तो यहाँ पे हम टू इंटू वन प्लस सिक्स इंटू वन, सो इज इक्वल टू हो जाएगा एट। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी एट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एट देखें हेल्प बॉक्स। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स था, इसको हम पहले जी ऑफ एफ एक्स जो हमने यहाँ पे निकाला था, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ले रहे, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये हो गया था, बट यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू ये मिल गई ना, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालेंगे। तो ई टू द पावर क्या है, देखिए यहाँ पे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव और प्लस थ्री है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस थ्री। तो एक्सपोनेंशियल पावर का फंक्शन का डेरिवेटिव होता है पहले तो एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद पावर में जो भी फंक्शन आया हुआ है उसका डेरिवेटिव, और उसके बाद ये जो थ्री था इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, और फाइव का तो जीरो, मतलब इसका ओवरऑल जो डेरिवेटिव मिलेगा आपको ट्वाइस एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला जो डेरिवेटिव था ट्वाइस एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद एट द पॉइंट माइनस वन बोला है, मतलब जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे हमें माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देना है। पहले तो हम हेल्प बॉक्स में देखते हैं कि ये वाला टर्म आया हुआ है कि नहीं। तो देखिए टू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव दिख रहा स्टूडेंट ये। ठीक है, उसके बाद हम एट पॉइंट माइनस वन, तो यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह माइनस वन रख देते हो तो ये माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन का स्क्वायर और ये प्लस फाइव था। सो टू इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है। ठीक है, तो ई टू द पावर प्लस वन और ये प्लस फाइव, मतलब इज इक्वल टू माइनस टू ई प्लस फाइव। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस टू ई पावर, सॉरी ये पावर में था स्टूडेंट, ये पावर में था सॉरी। सो ये हो जाएगा माइनस टू ई टू द पावर वन प्लस फाइव, सो माइनस टू ई टू द पावर हो जाएगा सिक्स, ये पावर में था फाइव, ये पावर में था, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा पावर में था, तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स। देखिए माइनस टू ई टू द पावर सिक्स। ठीक है, सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। तो आगे हम एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसमें भी एक थ्योरम है स्टूडेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको उसके बेस कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी पेपर में, जो थ्योरम्स है वो तो सभी करना है आपको क्योंकि वो पेपर में पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।